हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और अगर आप ऑटो एक्सपो में नहीं आ पाए, डोंट यू वरी, मैं हूं ऑटो एक्सपो में आप सबके लिए कवर करने आया हूं। एक एक गाड़ी, एक एक पेविलियन पूरी कंपनी का। और आज हम हैं टाटा के पेविलियन पर, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टाटा ने जो जो गाड़ियां ऑटो एक्सपो में शेयर की हैं, शोकेस की हैं, दिखाई हैं, अनवील की हैं, लॉन्च भी की हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और आप घर बैठे टाटा पेविलियन देख पाएंगे, टाटा मोटर्स का कंप्लीट पेविलियन ऑटो एक्सपो में जो यहां पर शोकेस किया है। सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलती है द टाटा एल्ट्रोस, जिसका ये बहुत ही हैवी इन्होंने पैनल लगाया, बड़ा जोर लग गया मेरा, बट दिस इज द टाटा एल्ट्रोस, 5-स्टार रेटिंग वाली टाटा एल्ट्रोस। ये अभी गाड़ी रिसेंटली अनवील किया हम, इसका ऑलरेडी डिटेल रिव्यू, वॉक अराउंड, टेस्ट ड्राइव वगैरह सब कुछ आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आपको बताना ये ज़रूरी है कि कंपनी ने इसको इतना अच्छा पेविलियन, इतनी अच्छी पोजीशन इसीलिए दी है बिकॉज इसको 5-स्टार रेटिंग मिली है। नाउ टाटा कंपनी बहुत सीरियस है इंडियन मार्केट को लेकर, ऑफकोर्स इंडिया की कंपनी है, क्यों ना सीरियस हो। इसीलिए उन्होंने एक और गाड़ी इस ऑटो एक्सपो में रिवील की है, लॉन्च की है, प्राइस भी हमारे सामने आ गए। दिस इज द टाटा हैरियर ऑटोमेटिक वेरिएंट। टाटा हैरियर पिछले साल ही अभी लॉन्च की थी, लेकिन लोगों को कंप्लेंट्स थी कि वो एक इनकम्प्लीट व्हीकल है, इसीलिए टाटा कंपनी ने उनकी बात सुनी और लॉन्च कर दी द टाटा हैरियर ऑटोमेटिक BS6 वाली, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, न्यू अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रिक आपको ऑटोमेटिक IRVM भी देखने को मिल जाता है। इंटीरियर इसका ऑल ब्लैक लेदर दिया गया है, कनेक्टेड इस गाड़ी को बना दिया गया है। और उसके अलावा चेंजेस, यही है मेजर चेंजेस, अगर मैं कोई भूल रहा हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ, डोंट यू वरी, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। नेक्स्ट वी हैव द टाटा टिगोर, ये भी अभी लॉन्च की गई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी के अभी एल्ट्रोस के साथ ही लॉन्च की, इसको भी 4-स्टार रेटिंग मिली है, विच मीन्स टाटा कंपनी अपनी सेफ्टी को देखकर, अपनी नहीं सॉरी पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर काफ़ी सीरियस है, जिस वजह से इस गाड़ी को भी 4-स्टार रेटिंग मिली है ग्लोबल NCAP में। इसका भी हम रिव्यू डिटेल्ड बना चुके हैं, उसे भी जाके देख लीजिए। नाउ इधर कमर्शियल व्हीकल है, इधर भी एक कमर्शियल व्हीकल है, द स्टार बस EV, इसका एक रिव्यू आपके लिए बनाया जाए, बना देंगे, डन, इसका भी रिव्यू आपके लिए स्टार बस EV का जल्द आ जाएगा। इधर टाटा की सारी टीम अभी अपना कुछ डिस्कस कर रही है, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको वहाँ मिल जाएगी एल्ट्रोस EV जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इधर है द नेक्सॉन EV जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, इसको हमने अभी तक ड्राइव नहीं किया, बट वो आपके लिए मैं जल्दी ड्राइव करूँगा, अपलोड करूँगा, सब कुछ आपके लिए शोकेस कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, वहाँ पर आपको दिख जाती है द टाटा एल्ट्रोस। टाटा एल्ट्रोस वही गाड़ी, लेकिन उसका जो कलर है वो सिल्वर है, वो भी आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये उधर भी आपको मिलता है एक कमर्शियल व्हीकल, मुझे आ रही है कॉल, अभी मैं नहीं उठा पाऊंगा, सॉरी, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक कमर्शियल व्हीकल आपको टाटा योदा देखने को मिल जाता है, ये भी अपने आप में एक नई एंटिटी है, नई एक डिज़ाइन है, लोगों को पसंद आ रहा है, बट आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाती है द टाटा हैरियर, वही ऑटोमेटिक वेरियंट आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये बस रेड कलर में है, एंड मुझे ये ज़्यादा हॉट लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे को रेड कलर गाड़ियों में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और गाड़ी है जो यहाँ पर काफ़ी अटेंशन सीक कर रही है एंड काफ़ी हॉट भी लग रही है, दिस इज़ दी हेक्सा सफारी एडिशन। इसमें नया क्या है, 4x4 बेटर अलॉय व्हील्स, उसके अलावा डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर बेटर मिल जाता है, इंटीरियर की क्वालिटी को बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अब और बेहतर लगने लग गई है। टाटा हेक्सा सफारी एडिशन के बाद और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा इसके बाद कॉन्सेप्ट वेरिएंट्स आए थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएंट्स में जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे द टाटा नेक्सॉन जो ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, द BS6 वर्जन, द फेसलिफ्टेड वर्जन, जिसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज किया गया, स्पेशली रियर से आपको बम्पर देखने को मिलता है, प्लस ये LED टेल लैम्प्स भी, सिरेमिक कोटिंग आपको यहाँ मिलेगी, अलॉय व्हील्स डिफरेंट कर दिए गए हैं, एंड उसके अलावा जो फ्रंट लुक है उसको भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, डेफिनेटली पहले से ज़्यादा एग्रेसिव एंड बोल्ड लगती है। इसका भी जो डिटेल्ड रिव्यू है, वॉक अराउंड है, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने कुछ कॉन्सेप्ट वेरियंट्स भी हमारे सामने शोकेस किए हैं, इंक्लूडिंग द टाटा सियारा। टाटा सियारा एक लग्जरी माइक्रो SUV से बड़ी है, लेकिन अभी क्या है, ये कॉन्सेप्ट वेरियंट है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं। अब एक्चुअल में ये गाड़ी कैसी आती है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन इसकी भी वीडियो बन चुकी है कंप्लीट, देखने के लिए चैनल पे मेरी वीडियो लाइब्रेरी ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा आ जाती है द टाटा HBX। टाटा HBX भी अपने आप में काफ़ी कमाल की गाड़ी लग रही है, नियर प्रोडक्शन मॉडल है, कंपनी कहती है कि 80-90% ऐसी ही गाड़ी आने वाली है। बेसिकली अलॉय व्हील्स चेंज किए जाएंगे और थोड़ा बहुत हेडलाइट वगैरह को चेंज करेंगे। आप इसको बेबी हैरियर का नाम भी दे सकते हैं, इसकी प्राइसिंग जो है 5-6 लाख के टाइम पर स्टार्ट होने वाली है, इस वजह से ये गाड़ी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पैकेज हो सकता है। उसके राइट साइड पर आप देखेंगे द टाटा ग्रेविटास, और जो लोग आप यहाँ नीचे बैठे देख रहे हैं ये बेसिकली हैं जो यहाँ गाड़ियाँ की पूरी केयर करते हैं, सफाई करते हैं, तो इनके लिए एक बिग थम्स अप। पीछे देख सकते हैं टाटा ग्रेविटास
जो कि टाटा हैरियर का 6 या फिर 7 सीटर वेरिएंट है, डिपेंड्स आपको कौन सा वाला वेरिएंट चाहिए, आपको वो वाला वेरिएंट उसमें देखने को मिल जाता है। ये था पूरा कंप्लीट पैसेंजर व्हीकल वेरिएंट्स कलेक्शन फ्रॉम द टाटा कंपनी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आई है तो किस बात का वेट करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नीचे करें कमेंट अपना ओपिनियन कि आपको कौन सा पेविलियन ऑटो एक्सपो 2020 में अच्छा लगा। अपना आपका जो ओपिनियन है मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।